इन्हें मानदेय नहीं वेतन मान चाहिए, सरकार मानदेय भत्ता देती है, लेकिन काम इस तरह से करवाती है जैसे सैलरी दे रही है, हक ऐसे जताती है जैसे सैलरी दे रही है। वो बस इतना कह रहे हैं कि अगर काम करवा रहे हैं तो रेगुलर कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी तो दे दीजिए, क्या गलत मांग रहे हैं। तो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका हो या सहायिका हो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आपको मालूम है कि हाल फिलहाल में भारत के कई राज्यों में जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है। हाल फिलहाल में यूपी में बीता हुआ जहां पर मानदेय में बढ़ोतरी भी की गई है, हरियाणा में भी जो है इसमें बड़ा आंदोलन चल रहा है, और यहां पंजाब में भी चल रहा था, और दिल्ली और हमारे बिहार में तो चल ही रहा है। इस न्यूज रिपोर्ट को मैंने पूरा देखा, देखने के बाद मैंने सोचा कि इसे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। एक एक बात, एक एक मांग जो सेविकाओं सहायिकाओं की पूरे भारत में लगभग सेम है, इस बार राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और अपने हिस्से का मानदेय या फिर जो भी मांग है सेविकाओं सहायिकाओं को उसको मानना ही पड़ेगा। तो एज ए आंगनबाड़ी चैनल होने के नाते मैंने सोचा आपको शेयर कीजिए। फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। गलत मांग रहे, मोबाइल का खर्च नहीं मिलता है, 5,000 रुपया आप पैसा दे रहे हैं, मोबाइल का खर्च नहीं है, इंटरनेट का खर्च नहीं है, उल्टे जेब से पैसे लग जाते हैं, काम बहुत ज्यादा कराते हैं ये लोग कह रहे हैं, मानदेय कम है, और मानदेय है वो भी टाइम पर नहीं मिलता, ये कह रही ड्यूटी पर जाने में देर हो जाए तो रिकॉर्ड पर गैर हाजिर लिख देते हैं, भत्ता कट, कोरोना टाइम में खूब काम करवाया लेकिन इनके जीवन की कोई परवाह नहीं की, इनका ना तो बीमा था ना इलाज की सुविधा थी, एक मास्क से पूरा साल निकाल दिया ये लोग कह रही हैं, मतलब कोई बीमा नहीं, कोरोना काल में घर घर जाकर काम करो, सेवा दो, सरकार की योजनाओं पर को पहुंचाओ, और कोई इंश्योरेंस नहीं, मतलब कोरोना हो गया और निकल गए तो निकल गए, परिवार उसके बाद लटका रह जाएगा। मानदेय और सैलरी में अंतर होता है, यह अंतर भी आपको समझना चाहिए, किसी काम के बदले कुछ पैसे दे देना यह मानदेय होता है, जबकि सैलरी अगर मिलती है तो उसके साथ अलाउंसेस मिलते हैं, डीए होता है, सब होता है। मानदेय एक तय काम या एक तय इवेंट के लिए दिया जाता है, सैलरी रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है, हर महीने मिलती है, मानदेय पर काम करने वालों को सुविधाएं नहीं मिलती, रेगुलर कर्मचारियों को हर तरह की सुविधाएं मिलती, जिन्हें मानदेय पर रखा जाता है उनके प्रति कोई लीगल बाध्यता नहीं होती, काम खत्म तो मानदेय भी खत्म, सैलरी के साथ एक तय अनुबंध होता है कि भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पैसा तो कम दिया जाता है लेकिन इनसे काम जी भर कर लिया जाता है, ये खुद बता रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स कि सरकार के हर विभाग के ग्राउंड लेवल का काम तो इन्हीं लोगों पर डाल दिया जाता है। कोरोना टाइम में जब सब घर पर थे तब भी ये घर घर जाकर अपनी ड्यूटी कर रही, जो राशन आंगनवाड़ी केंद्र में मिलता था कोरोना में इन्होंने घर घर जाकर राशन बांटा, यही लोग बांट कर आए। सोचिए, आप कोरोना काल में राशन बांटने जा रहे हैं, आपको भी तो कोरोना हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने किया, काम किया, और यही ये कह रहे हैं कि हमने तो कोरोना नहीं देखा, आपको राशन देना था, आपको क्या कहना है मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, हम राशन दे रहे हैं, लेकिन उस कोरोना के संकट काल में घर से निकलकर राशन तो इनको देने जाना है, कोरोना इनको होगा, इनके घर में बच्चों को होगा, और आप कह रहे हैं मानदेय नहीं बढ़ा सकते, रेगुलर नहीं कर सकते, इंप्लॉय नहीं बना सकते। कोरोना टाइम में इन्होंने घर घर वैक्सीनेशन का सर्वे किया, सरकार का कोई भी ग्राउंड वर्क हो इन आंगनवाड़ी महिलाओं को ही दिया जाता है, काम करने के बाद इन्हें रिकॉर्ड भी रजिस्टर और ऐप दोनों में दर्ज करना होता है, नई योजनाओं की वजह से इनका वर्किंग आवर 9 से 2 की बजाय 9 से 4 कर दिया गया है, इनके काम के घंटे तो बढ़ गए लेकिन पैसा नहीं बढ़ा, और ऐसा कई साल से चल रहा है, कई महिलाएं 35-35 साल से काम कर रही हैं लेकिन आज भी इनको मानदेय ही मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं है इनके पास, ना पेंशन मिलती है, ना बीमा है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना प्रमोशन मिलता है। आप सोचिए, आपको ऐसी जिंदगी मिलेगी जहां आप 35 साल काट दें, हर खतरा उठा लें कोरोना काल में, और उसके बाद आपको कोई सुने नहीं, 16 दिन से बैठी है कोई सुनने वाला नहीं। हमने उनसे बात की, पूछा
जब हमारी हमारी टीम गई, इनको लगा जैसे मतलब ऐसी फीलिंग थी कि कौन आ गया, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा। तो हम पहुंचे तो इन्होंने अपना दर्द बताया। सुनिए जरा क्या बोल रहे। हमें गधों की तरह काम करवाया जाता है, इतने बोरी उठा उठा के हम घर में सर्वे करा, कोरोना में करा, इतनी बुरी तरह काम करा हमने, उठा उठा के करा, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम प्रेमन लेडी को सारा कुछ करते हैं, वो पका पकाए हॉस्पिटल में, उनकी इतनी तनख्वाह आती है डॉक्टरों की, हम सब 6 साल तक हम परवरिश करते हैं बच्चे की, जो हम एरिया में कैसे कैसे सुनते हैं कैसे। और लोग लॉकडाउन में है ना, हमें कोरोना के लिए बहुत काम करवाया, जिनके घर में मौत हुई, जो घर वाले बैम कर रहे थे, वो हमें वहाँ पे सर्वे करवाया, कोरोना की वो करो, जांच करो, कितने कैसे मरे वो मरे, और हमें कोई सुविधा नहीं। हम घर से पैदल आए, कन्वेंस भी नहीं थी उस टाइम पर बस तक की, हमें बहुत हुआ है। और अभी 3 महीने से हमारी कोई तनख्वाह नहीं आ रही। और हमें ये कहा गया था सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं हुआ था, 50 रुपए की सरकार को औकात नहीं थी कि 50 का सैनिटाइजर हमें दे दे, 10 रुपए का, 5 रुपए का मास्क हमें दे दे। पोलियो के लिए हम लोगों का पोलियो होता था तो हमने डॉक्टर की भी ड्यूटी कवर करी है, आरएन की दवाई करी है, टीके लगवाते हैं, घर घर हम कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी, लेकिन हमारे लिए कोई मान्यता नहीं है बिल्कुल। आप सोचो मैं उसमें 9,500 में मैं एक वर्कर हूँ, 24 घंटे मैं टेंशन में रहती हूँ कि मेरी इस तनख्वाह से काम नहीं चलता, इसके बाद भी मुझे काम कराया जाता, बकायदा ऊपर से फोन दिया गया जिसमें कि एक बार फोन चोरी हो गया उसके 10,000 रुपए लिए गए, जबकि फोन की वैल्यू 5,000 भी नहीं है। बताइए लोगों ने कोरोना काल में क्या क्या नहीं कर दिया, इसके लिए अपनी पीठ थपथपा ली। आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रही हैं कि सैनिटाइजर देने वाला कोई नहीं था, ये कह रही हैं इनको मास्क देने वाला कोई नहीं था, और जान पर खेल खेल कर इन लोगों ने काम किया और आज इनको सुनने वाला भी कोई नहीं। ये दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं जो 1-2 दिन से नहीं 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और ये दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास ही 31 जनवरी से लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहां बॉर्डर पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो ठंड में ठिठुर रहे होंगे, सबको बड़ी चिंता थी। 31 जनवरी को दिल्ली से ठंड नहीं गई थी, लेकिन इन महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इनको भी ठंड लग रही होगी। 16 दिन बीत गए, कहीं खबर नहीं, कहीं हेडलाइन नहीं, कोई नेता नहीं पहुंचा, इनकी मांग पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ।